प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ आज एक विवाह हेतु कारगर उपाय को लेकर के, एक सटीक उपाय को लेकर के। मेरे कुछ व्यूअरों ने मुझे कमेंट किया, मेरे पास कॉल्स आई कि सर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में लगातार डिले चल रहा है, बात चलती है लेकिन सिरे तक नहीं पहुंचती। ऐसा लगता है कि रिश्ता पक्का हो जाएगा लेकिन पक्का होते होते कच्चा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके भी विवाह में डिले हो रहा है, देरी हो रही है, या किसी भी प्रकार की समस्या आपकी जन्म कुंडली में विवाह को लेकर के किसी न किसी ग्रह से उत्पन्न हो गई है, या किसी ज्योतिषी पंडित जी ने कह दिया है कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह खराब है, इसकी वजह से आपकी विवाह में डिले चल रहा है, वो बात सही है। जब जो ग्रह होता है, ग्रह से निकलने वाली रश्मियाँ हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हमारे वातावरण को प्रभावित करती हैं, और जो जन्म कुंडली का सप्तम भाव है वो विवाह का भाव है। जब उस सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि या पापी ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, या फिर जो सप्तमेश है वो भी पाप प्रभाव में आ जाता है, और जो विवाह के कारक होते हैं, लड़के के लिए शुक्र ग्रह, वहीं लड़की के लिए गुरु ग्रह, तो जब ये ग्रह भी पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो विवाह में डिले हो जाता है। खासकर सप्तम भाव पर मंगल जैसे विच्छेदात्मक अलगाववादी ग्रह का जब प्रभाव होता है, राहु केतु भी विच्छेदात्मक ग्रह हैं, जब मंगल राहु केतु शनि इस तरह के ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होता है तो विवाह में लगातार डिले हो जाता है। 30 साल, 35 साल, 40 साल तक शादी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसा उपाय, बहुत सारे लोगों को मैंने इस उपाय को बताया है, उन्होंने इस उपाय को किया है और उन्हें लाभ मिला है। 40 साल की उम्र में भी ये उपाय करने से उनकी शादी हो गई है, जो शादी में बाधा थी, जो रुकावट थी वो दूर हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं, अगर उनमें से भी कोई ऐसा हो जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी चल रही है, तो वो इस उपाय को करके अपने विवाह में चल रहे डिले को दूर कर सकते हैं, जो विवाह में आ रही बाधा को दूर कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दुर्योग बना हुआ है, किसी भी लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, सप्तम भाव में कोई भी राशि पड़ी है, उसको एक पल के लिए आप भूल जाइए। आज हम सभी के लिए एक कारगर उपाय लेकर के आए हैं, इसको कोई भी कर सकता है, और इस उपाय को करने से जो शादी में बाधा आ रही है उसको दूर कर सकता है। अब उपाय क्या है, इस उपाय को आप ध्यान से देख लीजिए। उपाय कोई भी हो, ज्योतिष शास्त्र का, विद्वानों का ये मत है कि उपाय यदि हम श्रद्धा, विश्वास और नियम से करते हैं तो उसका लाभ हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो जब मैं उपाय बताऊंगा आपको, आप इसको श्रद्धा से, विश्वास से कीजिए, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और जब इस उपाय से आपको लाभ मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट में आकर के टाइप करना कि सर हमारा काम बन गया है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो अब उपाय सुन लीजिए, आप लिख लीजिए पेन कॉपी से, या फिर वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो आप इसको थोड़ा सा, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ध्यान से देख लीजिए, जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से देख लीजिए, उसी प्रकार से कोई भी चीज़ छूट न जाए। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो फिर ये जो उपाय है इसका प्रभाव कम हो जाता है। जो मैं नियम विधि बताऊंगा उसी विधि से आपने करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप। एक केले का पत्ता, पुनः एक केले का पत्ता, एक केसर की डिब्बी आप बाजार से ले आइए। बुधवार के दिन शाम को अपने घर में ले आना है, और ये उपाय करना है आपने, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन। शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में जो भी गुरुवार आए, किसी भी गुरुवार को आप शुरू कर सकते हैं,
गुरुवार से पहले बुधवार आता है, तो बुधवार को आप एक केले का पत्ता और एक केसरी की डिब्बी ले आइए और शाम को अपने घर में रख दीजिए। अब गुरुवार को सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए, नहा धो करके पीले वस्त्र धारण कर लीजिए, आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है, साथ में वो केले का पत्ता, वो केसर की डिब्बी और एक जल से भरा हुआ लोटा और उसके अंदर एक चम्मच, ये सामग्री आपने अपने पास रख लेनी है। और साथ में अपना आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके पिता हो, माता हो, चाचा चाची, परिवार में कोई भी हो सकता है, उसको भी आपके बराबर में साइड में बैठा लेना है। अब वो केले का पत्ता रखना है ऐसे, मान लीजिए केले का पत्ता है, ऐसे केले का पत्ता आप अपने आगे आसन पर रख सकते हैं, उस पर जो केसर है, उस डिब्बी में जो केसर है, वो केसर उस पत्ते पर डालिए, सारा केसर पत्ते पर डालिए। अब उस चम्मच से थोड़ा सा जल लीजिए और उसके अंदर इतनी मात्रा में डालिए कि वो इधर उधर ना भागे, वो उसमें मिल सके। ध्यान रखिएगा जो जल है उसके अंदर गंगा जल भी मिला लीजिए, लोटे के अंदर 4-5 बूंद गंगा जल भी आप मिला लीजिए, वो जल उस पत्ते पर डालिए, इतना सा डालिए कि इधर उधर ना भागे, वो उसमें मिल सके केसर में। और अपनी ये उंगली, इस उंगली को, ये उंगली तर्जनी उंगली, इस उंगली को ऐसे पत्ते पर ऐसे करके ऐसे घुमाना है, उसको मिलाना है। और जाप क्या करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, इस प्रकार से 108 बार आप मंत्र का जाप करते रहिए और उंगली को ऐसे घुमाते रहिए, उसको मिलाते रहिए केसर और पानी को। अब 108 बार काउंट कौन करेगा, गिनती कौन करेगा, क्योंकि आपके दोनों हाथ बिजी हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि साइड में किसी भी परिवार के जन को आप बैठा लीजिए, उसको एक माला दे देना हाथ में और वो गिनेगा, आप बोलेंगे वो गिनता रहेगा, जब आप बोलेंगे ओम श्री गुरुवे नमः एक, तो वो एक मन का आगे सरकाएगा। तो 108 बार जब हो जाएगा तो एक माला पूरी हो जाएगी। अब ये 108 बार से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही भला हो जाए, 109, 110, 112, 114, 120 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 108 से कम नहीं होनी चाहिए ये काउंटिंग। इस तरह से गिन करके जब 108 बार हो जाए तो जो पत्ते ऊपर केसर और पानी का जो घोल बना हुआ है उसको उस डिब्बी में दोबारा से डाल लीजिए। अब ये तैयार हो गया केसर का घोल आपके पास, अभिमंत्रित गुरु के मंत्र द्वारा अभिमंत्रित केसर का घोल आपके पास तैयार हो गया। अब 41 दिन लगातार आपने अपनी जो अनामिका उंगली है इसके साथ, राइट हैंड की अनामिका उंगली, छोटी उंगली से इस साइड वाली उंगली, ये उंगली, तो इस उंगली से हर रोज तिलक करना है अपने मस्तक पर, उस केसर से जो डिब्बी में केसर है, जो घोल तैयार किया है, जो अभिमंत्रित किया है, उसके साथ इस अनामिका उंगली से तिलक करना है 41 दिन लगातार, मस्तक पर तिलक करना है। और ये जो राइट हैंड है, ये जो हमारी तर्जनी उंगली है जिसके साथ हमने मिलाया है, उसके नीचे का ये जो भाग है, ये गुरु पर्वत है, बृहस्पति पर्वत है, यहां पर भी थोड़ा सा तिलक करना है। 41 दिन लगातार यदि आप ये तिलक हर रोज कर लेते हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके, तो आप के विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो सब दूर हो जाएगी और आपका विवाह के जो योग हैं वो बड़े जल्दी बन जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था विवाह हेतु एक कारगर उपाय, इसको करने से आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा। जो बात बनते बनते बिगड़ जाती है वो बात सिरे चढ़ेगी। आपकी जन्म कुंडली में चाहे कितना भी बुरा योग क्यों ना हो, कितना भी दुर्योग क्यों ना बना हुआ हो, वो भी दुर्योग शुभ योग में बदल जाएगा। इस मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद गुरुदेव की जो अपार शक्ति है वो इस घोल में मिल जाती है और आपकी विवाह में जो बाधा, जो डिले हो रही है, उसको दूर करने में सहायक होती है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि इस
उपाय से आपको लाभ मिले। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस उपाय को करने के बाद आपकी शादी हो जाए, जल्दी हो जाए। जब आपकी शादी हो जाए, आपको इसका लाभ मिले, तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर हमें इस उपाय से लाभ मिला है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।